आज जी नाश्ते में ब्रेड और अंडा ही बनाया मैंने, और ये जी हमारे कटलेट भी दोनों साइड से बड़े गोल्डन से फ्राई हो चुके हैं। आमना जी इस टाइम पे फारिग थी, तो उसको मैंने उर्दू का ऐसे दिया था कि वो बैठ के लिखे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जी नन्नू आके मेरे पास बैठी हुई है। अच्छा, आमना को अभी जी बस स्टडी वगैरह करवाने लगी हूँ। वो बाय बैठी कार्टून देख रही है साथ में, और साथ में अभी मेरा दिल है उससे वर्क वगैरह करवाती हूँ स्कूल से। वो आ गई है, और मुकदस जो है वो अपना काम कर रही है। तो इंशाल्लाह फिर अभी क्लिप वगैरह शूट करती हूँ। वो मुकदस का भी चीज़ जो यूनिवर्सिटी है वो ओपन हो गई है। तो अभी बस वैसे तो खाने में मैंने आज बनाया था कीमा आलू और पालक, बीच में थोड़ी सी ऐड की थी। तो कीमा आलू वैसे तो बनाते ही रहते हैं, तो पालक थी मैंने ना, मतलब जब आती है तो मैं उसको गला के तो चॉप करके तो फ्रीज कर देती हूँ। मैंने कहा वो थोड़ी सी बीच में डाल के ना तो अच्छा सा सालन बनाते हैं। दिन के टाइम पे तो वही हमने बनाया हुआ था, लेकिन अभी मेरा दिल है कि साथ में ना थोड़े से कटलेट बनाती हूँ। और आलू वगैरह भी बॉईल करके मैंने रख लिए हैं। तो फिर आप वैसे करती हूँ कि आपके साथ कटलेट की रेसिपी भी छोटी सी है वो भी शेयर करूँगी। तो जैसे जैसे क्लिप शूट करूँगी वैसे वैसे जी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। आज ही है बच्चों का स्कूल, और नाश्ते में ब्रेड और अंडा ही ये लेते हैं जब इन्होंने स्कूल स्पेशली बच्चों ने जाना होता है, क्योंकि 12:30 बजे आमना इब्राहिम को छुट्टी होती है। तो आगे जब वो आते हैं ना घर पे, तो आगे खाना तैयार होता है, मतलब टेबल पे रखा हुआ होता है मैंने, कि बच्चों को भूख लगी हुई होगी और मलिक साहब को भी। तो इसलिए फिर सुबह मैं इनको ब्रेड वगैरह देती हूँ, अंडे भी सबके बन चुके हैं, आमना का भी बना दिया था, और ये इसमें चीनी डाल दी थी मलक साहब की, और मुकद्दस मीठी लेती हैं अपनी और अम्मी की, मैंने फीकी निकाली थी। और ये जी आमना इब्राहिम के लिए बर्गर भी मैंने बना दिया, इनका लंच ये जी आप मैं तैयार करने लगी थी। और बस अब ये चाय वगैरह डालूंगी, और ये आमना का जो अंडा है ना, ये मसाले के ये बगैर जी अभी रखता है। इस एरिया की मैं कर रही थी सफाई, और यहाँ से ना मुझे अभी ये ना छोटी सी डिब्बी नज़र आई है। अच्छा, यो जब बीमार था ना तो उससे ना मतलब ड्राई फ्रूट जो था निगला नहीं था जाता, और फिर ये उसका जो ड्राई फ्रूट था उसको हमने ग्राइंड करके ना, तो इसमें पानी वगैरह मिक्स करके तो उसको देते थे ताकि उसके अंदर कुछ चला जाए। तो ये अभी मैंने देखा तो इधर पड़ा हुआ था। यही बात है कि लियो की साथ साथ में सारी जो यादें हैं ना वो साथ साथ में रखी हूँ। यहाँ से बस सफाई वगैरह कर रही हूँ, और ये उसका निकाला है, यहाँ से सफाई कर रही थी, यहीं पे रखूँगी, और बस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह चल रही है। बच्चे जी जब स्कूल से आते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा इधर उधर खेलते हैं, और उसके बाद फिर इनको मैं शॉवर देती हूँ, और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठा लेती हूँ। अच्छा, आजकल इनको इतना काम नहीं था मेरा, तो आमना को मैंने ऐसे दिया उर्दू का, मैंने कहा ज़रा इसकी राइटिंग ज़रा अच्छी हो, और ये कुछ खाने पीने वाली चीज़ें वगैरह रखी हुई थी, साथ में कार्टून चाह रहे थे। मैंने कहा बस ज़रा ये है कि हाथ की सफाई हो उर्दू पे, क्योंकि आपको पता है बच्चों को उर्दू नहीं आती, बाकी सारा सब कुछ आता है। बस इब्राहिम थोड़ा बहुत ही पढ़ता है, ये अम्मी के साथ मस्तियाँ कर रहा है ये बस। बच्चों के ब्लॉग्स वगैरह लिए थे, ये भी मैंने वॉश किए हैं अगले दिन, और इनके साथ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। और ये जिलियों के हैं, ये सारे वॉश करके रखे हुए हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं, आमना और मुकद्दस ने बहुत ज़्यादा ज़िद लगाई हुई है दूसरी कैट की। आप देखें वो आती है, क्या होता है बात चल रही है बैठ के साथ, तो फिर इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें जी, आप कटलेट की थोड़ी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं, इनको छील के बॉईल कर लेना है, और प्याज सब्ज़ मिर्चें और धनिया इसको मैंने चॉप कर लेना है। ये जी आलू बॉईल हो चुके हैं, इनको बॉईल करके तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये ठंडे हो गए हैं, और जो सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्चें और प्याज था वो चॉप किया है, उसके अंदर ये आलू डाल के ना, तो आप इसको मैंने इसके अंदर जी अब मैंने डाले हैं मसाले। ये जी सारे जो मसाले हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून इसमें जी गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें कसूरी मेथी है, खुश धनिया है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारी आपने मसाले डालने हैं। तो ये डाल के तो आपने इसको चॉप कर लेना है, ठीक है। चॉप कर लेने के बाद मैंने चिकन बॉयल करके उसमें अच्छा चिकन के अंदर नमक डाल के तो मैंने बॉईल किया था, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, वो ठंडा हो गया था, तो इसके अंदर जी मैंने ऐसे रेशा रेशा करके तो डाल दिया है। 2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, और इसको हमने फिर अच्छे से कर लेना है मिक्स। अच्छा जी, अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। अच्छा, ये आप गैस के लिए भी बना सकते हैं, आप इनको बना के तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किस स्टेज पे आपने इसको फ्रीज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। बॉल बना के तो इस तरह से हमने इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है, छोटी तो नहीं है खैर, नॉर्मल जैसे कबाब का साइज़ होता है, मैं तो इतना ही बनाती हूँ, मुझे इतनी सही लगती हैं।
आप छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी इसके, ये तकरीबन आप कर लें कि 12 कबाब तैयार हो गए थे। और ये जी देखें कितने कलरफुल से हैं। अच्छा, दो अंडे फेंट लिए थे, साथ में ब्रेड क्रम रखी है। अच्छा, ब्रेड क्रम ये मैंने खुद घर पे बनाई थी, शॉर्ट में इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, अगर वहाँ से देख लीजिएगा। एक हाथ से हमने अंडा लगा के तो ब्रेड क्रम में रखा, दूसरे हाथ से हम जी इसकी इस तरह से कोटिंग करेंगे। ये वाली आपने कोटिंग करके ना, तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और जैसे ही गेस्ट आते हैं फ़ौरन से आप निकालें और आप इनको फ्राई कर लें। सिर्फ आप गेस्ट आए ना, तो आपने निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रखनी है और आपने इस तरह से फ्राई कर लेनी है, ठीक है। और ये है कि बना हुआ इतनी ये मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ती, मतलब आलू होते हैं ज़्यादा, तो मतलब सब्जी होती है बीच में, तो एक साइड से हमने इसको फ्राई कर लेने के बाद दूसरी इसकी साइड चेंज करके, तो इसको हमने इस तरह से गोल्डन सा फ्राई कर लेना है। बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये ब्रेड क्रम फ़ौरन से जल जाती है और ये आपकी टिक्कियाँ ब्लैक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कटलेट बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत लाइट बनते हैं। जो मैंने मसाले आपको दिखाए हैं उसी मसाले के साथ ये मैंने बनाए हैं, मतलब ये कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, आराम से आप टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, चटनी भी बना के उसके साथ भी खा सकते हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा इसे। दस पहुँच गई है। अच्छा, ये पहले भी मैंने जो बनाए थे तो ये मुकद्दस को पसंद बहुत ज़्यादा है, और मुकद्दस कह गया मामा मैं पहले ये तो चेक कर रहा हूँ, फिर खाना शाना खाएंगे उसके साथ फिर चेक होगा। रोटियाँ छोटियाँ साथ में मार रही हैं मुकद्दस, कैसा है? अमना ने जी कटलेट भी खा लिया था और उसने ना उसको कीमे वाला सालन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उसने ना उसके साथ ना अपनी रोटी खा ली थी, और वो रूम में थी। यहाँ पे जी मुकद्दस बैठ के खा रही है, अम्मी मतलब मैंने भी अभी खानी थी, अम्मी भी बैठी हैं, इब्राहिम हम सब अभी खा रहे थे क्योंकि अभी हमने खाना खाना था, सिर्फ अमना ने खाया। अच्छा, चटनी सलाद साथ में बनाया था, साथ में कटलेट। मलक साहब को तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आए थे लाइट से ना, और इब्राहिम ने तो पक्का यही सालन खाना होता है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, इंशाल्लाह इसकी बहुत जल्द मैं रेसिपी आपको दूंगी। बहुत मेरा दिल करता है रेसिपी शेयर करने को लेकिन बस टाइम नहीं होता। ये भी छोटे मोटे जो क्लिप मैंने शूट किए थे वो आपके साथ शेयर किए हैं, और साथ ही में जी मैंने कटलेट बनाए थे उसकी रेसिपी शेयर की है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे और लाइट से बनते हैं, आप वैसे भी खा सकते हैं अगर खाने के साथ, जैसे कि इन्होंने खाए थे तो वैसे भी आप खा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। कोई गेस्ट आए तो ये है कि आप बना के इनको फ्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही फाइनल करके आप फ्रीज कर लें, जैसे ही गेस्ट आएंगे फ़ौरन से आप निकालें और इनको फ्राई कर लें, और बड़े ही ज़्यादा अच्छे और मज़े के ये बनते हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।